नमस्कार दोस्तों, सीएससी एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो दूसरी वीडियो है वहाँ पर मैं आ गया हूँ दूसरी वीडियो लेकर। तो दोस्तों आइए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने के पहले हर बार की तरह करूँगी एक ही गुजारिश कि अगर आप मेरे एनीथिंग यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ दिया हुआ घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आ गए हैं हम सीधा डिजिटल सेवा पोर्टल पर। डिजिटल सेवा पोर्टल से जैसे ही आप वीएलई लोन बाज़ार पर क्लिक करोगे, लोन बाज़ार पर से व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आ गए हैं हम ये जो पेज है यहाँ पर। तो दोस्तों ये पेज पर आप देखो अकाउंट ओपनिंग का पेज है, तीन तरह का अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों बेसिकली मैं ये वीडियो पर जो बात करने जा रहा हूँ वो है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ बात किए थे, वो क्या कहा है और वही हम सुनेंगे। तो दोस्तों जब मेरे फ़ोन किए थे उनके साथ यही बात हुआ था कि मैंने उसके फ़ोन करने के बाद कहा कि देखो 70 सेंसर्स के जो है ये जो वेस्ट बंगाल की नॉर्थ ईस्ट जोन है यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। इसी खुशी में उन्होंने इसी महीने का 12 तारीख पर एक जो वर्कशॉप रखा है, ठीक है, उस वर्कशॉप पर जाना होगा, वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से है, ठीक है, तो वहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ये जो बैंक की लिंक चालू हो गया है तो आप जल्दबाजी मत करें, चालाकी मत करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो एक्टिव हो गया है मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो मुझे कहा है कि आप कोई भी कस्टमर की अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए ना जाए ताकि वो मुसीबत पे आ जाए, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई गाइडलाइन भी नहीं आए कि आगे जाकर उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास भी कोई गाइडलाइन नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद किसके पास जाऊँ और किसको क्या कहूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आप जैसे वैसे रहने दो, आगे जाकर वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप के पास आपको दिखाई देगा। तो वर्कशॉप करने के बाद आप हर एक भेली भाई से यही दो या तो तीन सर्टिफिकेट चाहेगा कि भाई आप सर्टिफिकेट देने के बड़ी है, आप अपना सर्टिफिकेट या अपना डॉक्यूमेंट्री जो है वो सबमिट कर दो। तो सबमिट करने के लिए आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आपका बैंक मित्र का सर्टिफिकेट, आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट और एक है NOC सर्टिफिकेट, जो आप अगर पंचायत भवन पर रहते हो तो पंचायत भवन का भी NOC चाहिए और पुलिस स्टेशन का भी NOC चाहिए। तो ये सारे चीज़ आपके पास से चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को नहीं बताकर एक अकाउंट भी ओपनिंग के लिए अप्लाई किए थे, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, तो उसकी तरफ से मेरे एक मेल आए थे, तो वो मेल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो है ये PC1132 सेविंग अकाउंट फ्रॉम वीएलई कस्ट अकाउंट एप्लीकेशन। तो ये है वो अकाउंट एप्लीकेशन का लिंक और यहाँ पर वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर स्मार्ट अकाउंट एप्लीकेशन, योर एक्टिव आईडी, योर अकाउंट ओपनिंग ऑन इज वन ऑफ दिस फास्टेस्ट वे to open an account with you, with us. You will soon be able to enjoy the continuous confidence of our suite of digital banking solution. तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, तो मेरे application ID भी दे दिया है, मोबाइल नंबर पर भी आए हैं, OTP भी आए हैं, जैसे हमारा करेंट अकाउंट ओपनिंग करवाए थे कुछ उस तरीके से। तो दोस्तों जल्दबाजी मत कीजिएगा और आप जैसे ही आप अपना
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आगे जाकर कोई प्रोसेस बताए उसके हिसाब से काम करे, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले और वीडियो पर। तो इसलिए बने रहेगा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके।